एक बार की बात है, एक विशाल झिलमिलाते समुद्र के तट पर बसे एक छोटे से तटीय गांव में एथन नाम का एक युवा मछुआरा रहता था। एथन मछली पकड़ने के अपने असाधारण कौशल के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह अपना जाल इतनी सटीकता से फेंक सकता था कि ऐसा लगता था कि मछली स्वेच्छा से उसमें तैर जाएगी। हालांकि एथन ने अपने दिल की गहराई में एक गुप्त इच्छा को छुपा रखा था। वह पौराणिक जादुई मछली को पकड़ने के लिए तरस रहा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास अविश्वसनीय शक्तियां हैं। गांव की लोक कथाओं के अनुसार जादुई मछली में ये क्षमता थी कि जो कोई भी उसे पकड़ लेता उसकी इच्छा पूरी कर देता। कहा जाता है कि उसके पास हीरे की तरह चमकने वाले झिलमिलाते तराजू और कीमती रत्नों की तरह चमकने वाली आंखें थीं। महापुरुषों ने इसके ज्ञान और दयालुता के बारे में भी बात की। कहानियों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है कि कैसे जादू की मछली ने अनगिनत लोगों को उनकी जरूरत के समय में मदद की थी। एथन इन कहानियों से मोहित हो गया था और हर रात वह चांदनी सागर को देखता था। उस दिन का सपना देखता था जब वह अंततः जादुई मछली का सामना करेगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण सुबह, जैसे ही सूरज की रोशनी की पहली किरण ने आकाश को जीवंत रंगों से रंगा, एथन ने अपने मछली पकड़ने के अभियान की शुरुआत की। उसने अपनी छोटी लकड़ी की नाव को कोमल लहरों में धकेल दिया और पाल लगा दिया। उसका दिल आशा से भर गया। घंटों तक एथन ने अपना जाल दूर दूर तक फैलाया, लेकिन उस दिन समुद्र असामान्य रूप से शांत लग रहा था। वह आमतौर पर जो मछलियां पकड़ता था वे कहीं नहीं मिलती। निराश होकर उसने खाली हाथ घर लौटने से पहले एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। जैसे ही वह अंतिम बार अपना जाल डालने के लिए तैयार हुआ, अचानक उसकी नजर उस पर पड़ी। इंद्रधनुषी तराजू की झिलमिलाती चमक ने एथन का ध्यान आकर्षित करते हुए सूरज की रोशनी को पकड़ लिया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक जादुई मछली उसकी नाव के पास शांत से तैर रही थी। इसका शरीर नीले, हरे और सोने के रंगों से सुशोभित था और यह एक अलौकिक अनुग्रह से सराबोर था। एथन का दिल उत्साह से भर गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका आजीवन सपना सच होने वाला था। कांपते हाथों से एथन ने अपना जाल सटीक रूप से डाला और देखा कि यह जादुई मछली को निगल रहा है। उसने सावधानी से नेट पर सवार होकर यह सुनिश्चित किया कि उसने अपने चमत्कारिक कैच को नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसे ही मछली जाल के भीतर झिलमिलाती है, एथन उसमें से निकलने वाली एक शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस कर सकता था। एक ऐसी शक्ति जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। एथन ने सावधानी से घुटने टेके और धीरे से जादू की मछली को जाल से बाहर निकाला, उसे अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही उनकी आंखें मिली, उन्हें उनके बीच एक गहरा संबंध बनता हुआ महसूस हुआ। मछली की बुद्धिमानी भरी निगाहों से लगता था कि वह उसकी गुप्त इच्छाओं को जानती है। दूर की लहरों की तरह गूंजती आवाज के साथ जादुई मछली बोली, एथन, मैं समुद्र के जादू का संरक्षक हूँ। मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैं तुम्हारे शुद्ध हृदय और अटूट दृढ़ संकल्प को पहचानता हूँ। मुझे बताओ, तुम्हारी गहरी इच्छा क्या है? मछली की संवाद करने की अप्रत्याशित क्षमता से अभिभूत, एथन ने अपनी आवाज ढूंढी। महान जादुई मछली, मैं अपने गांव में सुख और समृद्धि लाने की शक्ति की कामना करता हूँ। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि कोई भी भूखा न रहे और हमारा जीवन आनंद और प्रचुरता से भरा रहे। जादुई मछली ने सिर हिलाया। इसके तराजू पहले से कहीं ज्यादा चमकदार चमक रहे थे। तेरी इच्छा पूरी की जाएगी एथन, अपने गांव लौट जाओ और हमारी मुलाकात की कहानी साझा करो। एकता और दया का संदेश फैलाओ और समुद्र की प्रचुरता प्रचुर मात्रा में होगी। उन शब्दों के साथ जादुई मछली एथन की पकड़ से धीरे से फिसल गई और समुद्र की गहराई में गायब हो गई। नए सिरे से उद्देश्य की भावना से भरकर एथन जादू मछली की भविष्यवाणी में अपने हिस्से को पूरा करने के लिए उत्सुक होकर अपने गांव वापस चला गया। जादुई मछली के साथ एथन के मिलने की बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। उनकी कहानी से प्रेरित होकर ग्रामीण एक सामंजस्यपूर्ण समुदाय बनाने के अपने प्रयासों में एकजुट हुए। उन्होंने अपने संसाधनों को साझा किया, एक दूसरे का समर्थन किया और मछली पकड़ने के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण अपनाया, जिसने समुद्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की।